और मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि स्टेनो में जिनका जिनका नाम है आप लोग एटलीस्ट चले जाना, ठीक है, कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप चले जाना, वहां पर एबसेंट ही लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई असुविधा है, सपोज करो, क्योंकि ये मेल से कंफर्मेशन खुद भर्ती बोर्ड ने दिया है, ठीक है, मेल काफी बच्चों ने भी किया है, ठीक है, बच्चों ने भी हमें फोन करके पूछा, कई बच्चों की और भी समस्याएं हैं, यूपीपीसीएल का एग्जाम लगा हुआ है आपका यहां पर सट है और आने जाने में दूर से आना भी है, तो इस वजह से जिनको कोई समस्या है कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते। अगर स्टेनो नहीं आती है और खुद भी मेल से, जैसे मैं मेल की एक कॉपी आपको यहां पर समझा दूं, तो देखो यूपीपीआरपीबी एसएमआईसीए 2021 ये मेल किया गया कैंडिडेट के द्वारा और वहां से यहां पे मेल वाला है कि रिस्पेक्टेड सर, आई हैव सेलेक्टेड इन द स्टेनो लिस्ट एसआई स्टेनो एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एसआई स्टेनो, बट सर आई डोंट नो स्टेनो, सो इफ आई स्किप द स्टेनो टेस्ट देन विल आई काउंटेड फॉर एएसआई क्लर्क, काइंडली हेल्प मी इन द रिगार्ड। ये लिख के भेजा गया तो वहां से जब रिप्लाई आया बोला गया देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सिलेक्शन इफ यू आर क्वालिफाइड इन टाइपिंग टेस्ट एंड नॉट विलिंग टू अपीयर इन स्टेनो, ठीक है, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और स्टेनो में नहीं अपीयर कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव, आपको अगर नहीं आता है, दिक्कत है आपके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत आइए, ठीक है, आपके एब्सेंट और प्रेजेंट से उतना इंपैक्ट कोई नहीं पड़ने वाला। बस मैंने इसलिए बोला था कि हो सकता है, अब तो प्रूफ रहेगा ना आपके पास, आप लोगों ने मेल किया है और ये मेल कॉपी मेरे पास भी और भी चीजें हैं, तो अब तो प्रूफ रहेगा कि भर्ती बोर्ड ने खुद ही कहा है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, जिनको नहीं आती है वो ना जाए, ठीक है, अगर समस्या है सबके साथ है, किसी का पेपर लगा है, कभी किसी का कुछ है, कोई बीमार है, तो इतना नहीं है कि जोर जबरदस्ती कि आप लोग जाओ ही, आपको नहीं आ रही है तो आप घर बैठो, आगे फेस की तैयारी करो, जो भी आपके एग्जाम लगे हो उनकी तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है, बस मैं यही बोलने आप लोगों से आया था। और जिनका स्टेनो है भाई वो एकदम लगे रहो, आप लोग डेमो देख लिए होंगे, डेमो के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखो रहो। आप सभी को परीक्षा प्लस टीम के द्वारा शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे से जो है इस एग्जाम में पास हो जाए और रिजल्ट अच्छा से अच्छा दे, ठीक है। तो चलिए, अगर कुछ आपके सुझाव हो, कुछ आपके दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर वीडियो के कमेंट में करिएगा, उसको टीम कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं से ही रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। बच्चे ने काफी दिनों से बच्चे कह रहे थे, कई फोन भी आए कि सर मेरे साथ ये समस्या है, क्या मैं जाना कंपल्सरी है, लेकिन मैं बाहर होने की वजह से आपकी वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास समस्याएं हैं और आपको नहीं आती स्टेनो तो आप इतना पैनिक मत होइए, मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई समस्या को जो भी होगी आपकी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर समाधान करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।